छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज जिस तरह से कुछ देशद्रोहियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया, उससे 6 जवान शहीद हो गए। वहीं इस घटना को लेकर सेना के अधिकारी ने क्या कहा, आइए। किरंदुल से चोला तरफ एक पेट्रोलिंग व्हीकल जा रहे थे, उसका आईडी के माध्यम से उड़ाया गया। इसमें सवार हमारा 6 जवान शहीद हो गए, एक घायल हुआ। अभी इसमें जिला बल का और छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान शामिल थे, ये ऑपरेशन ड्यूटी में थे। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अभी जिला यूनिट से आना शेष है, जिस उसके आने के बाद फिर हम संपूर्ण जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। लेकिन अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला उसमें 6 जवान हमारा शहीद हो गए थे और एक जो घायल अभी वर्तमान उनका किरंदुल बचेल में उसके इलाज जारी है। यदि आवश्यकता अनुसार उनका एयरलिफ्ट करके रायपुर में भी ट्रीटमेंट के लिए लिया जा सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह आगामी 22 मई को विकास यात्रा करने वाले थे, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपना कार्यक्रम रद्द कर दें। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।